हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ मोहल्ला में, जो कैसे हम लोग का जो होम टाउन है और हम लोग का जो घर है वो कैसे होता है, कैसे क्या है, मैं आपको फुल दिखाऊंगा इस वीडियो में। बने रहना मेरे वीडियो में। तो गाइस, ये जो देख सकते हो ये झुकी झोपड़ी है, मतलब झोपड़ी टाइप है। ये बहुत सारे मिल जाएगा आपको गाँव वगैरह एरिया में, लेकिन यहाँ पर भी बना हुआ है। और वो जो देख रहे हैं वहाँ पर जो है हम लोग का पहले गार्डन हुआ करता था, तो वहाँ पर हम लोग खेला करते थे। और ये पीपल का पेड़ है जो कि ग्रीन ग्रीन सा लग रहा होगा आप लोगों को। तो इस ये करती है कि इसका ऑक्सीजन बहुत अच्छा खासा हम लोग को मिल जाए, तो गर्मी में मतलब ठंडा हवा अच्छे खासे देते हैं पीपल। और ये जो पेड़ लोग देख रहे हो ये सब अपन गाय है। और ये देखो, ये 3 BHK अपार्टमेंट है जो कि बगल वाले पड़ोसी लोग का है, और हम लोग इस रूम में रहते हैं। और ये टंकी वंकी, और ये सामने मतलब हमारे गाँव के चारों ओर फुल्ली जो है वो क्या उसको बोलते हैं, वो ग्रीन वैली, अच्छे से हरी हरी, हर चीज़ हरी हरी है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे भी हरी हरी और सामने भी हरी हरी, देखो कहाँ पे। तो मैं चलो उधर के साइड में, उधर है एक अच्छी चीज़ जो कि बैडमिंटन ग्राउंड है, तो मैं उसको भी दिखाऊंगा। देखो वहाँ पे बैडमिंटन ग्राउंड है, देखो जैसे कि वहाँ पे देख रहे हो बल्ब पड़ रहा है वहाँ पे। तो ये एक बैडमिंटन ग्राउंड है, और देखो मतलब हम लोग किधर के साइड जितने भी है ना, सारे ग्रीन वैली है, जितना भी है सारा ग्रीन वैली। और ये जो है बड़ा सा आम का पेड़, इसमें खूब बड़े बड़े आम खिलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मालदा आम, वही मालदा आम इसमें फटते हैं, तो हम लोग खाते भी एक दो। और ये जो सागवान का पेड़ है, तो ये भी इसका भी काम है, अच्छे अच्छे ऑक्सीजन हवा प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। और दिखाता हूँ मैं नीचे की साइड आपको, देखो मतलब फुल है पूरा ग्रीन ग्रीन, फुल्ली जिधर जाओ उधर ग्रीन। देखो उधर के साइड में आपको दिखा रहा हूँ, देखो फूल है उधर, कपड़े वगैरह। चलो मैं आपको और दिखाता हूँ अच्छे से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो उधर साइड भी ग्रीन है, मतलब हर जगह ग्रीन है भाई। और जब इवनिंग का टाइम होता है तो और अच्छे अच्छे चिड़िया वगैरह आती है भाई, अच्छे अच्छे एकदम चिड़िया वगैरह। यहाँ पे पैरट भी बैठते हैं, पिजन भी बैठते हैं यहाँ पे, तो मैं उसको दाना भी देता हूँ। तो यहाँ पे कभी कभी आते हैं, अभी नहीं आ रहे क्योंकि उनका सीजन भी ख़त्म हो चुका है। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अच्छे से, चलो मैं नीचे की साइड आपको दिखा रहा हूँ गाइस। तो गाइस ये नीचे के साइड है जो कि पूरा खाली है इधर, और उधर की साइड है कि गार्डन वगैरह है। तो मैं गार्डन वगैरह अच्छा आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, रुक जाओ गाइस। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये गार्डन है, और ये देखो अच्छे से आपको बैडमिंटन की नेट लग रही है अच्छे से। ये भी पेड़ है हरा भरा, और ये है हम लोग का एरिया। शायद आपको अच्छा लग रहा होगा गाइस कि हम लोग का यही एरिया है, क्योंकि ये लोकल टाउन है, ये लोकल टाउन है। और अभी तो छठ का इमोशन फेस्टिवल ख़त्म ही हुआ, तो इसलिए जितने भी लोकल लोग हैं वो चले गए, लोकल गए थे वो बाहर के लोग, और हम लोग लोकल है तो यहीं पे रह जाते हैं। तो यही हम लोग का घर है, टाउन एरिया, और आप लोग देख सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँगा। और यहाँ पर नीचे भी है, तो रुक जाओ गाइस मैं नीचे की साइड आपको ले जा रहा हूँ वहाँ पे। और देखो देखो गाइस वहाँ पे बंदर वगैरह सब भी रहते हैं वो साइड से, शायद आपको वीडियो में देख पा रहे होंगे आप शायद। देखो गाइस वो बंदर आ रहे हैं, देखो वो चार बंदर सब आ रहे हैं, देखो देखो वो बंदर लोग आ रहे हैं अभी सारे के सारे, वो बंदर ही है यहाँ पे गाइस। बंदर लोग बहुत सारे रहते हैं, बहुत हम लोग इरीटेट करते हैं बंदर लोग। मंकी जो होते हैं ना वो बच्चे को भी इरीटेट करते हैं, बच्चे तो छत पर भी नहीं आते, हम लोग छत पर कभी कभी आ भी जाते हैं, लेकिन बच्चे लोग तो छत पर भी नहीं आते।